कह रहा हूं, कांग्रेस के इस बार के मैनिफेस्टो पर 7% मुस्लिम लीग का थप्पा लगा हुआ है, मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो सिर्फ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है। हमारा मैनिफेस्टो देश को मजबूत करने के लिए समर्पित है। साथियों, आजादी के बाद से ही ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये संविधान सभा में चर्चा करने के बाद तय हुआ है। संविधान सभा में जो चर्चा हुई थी, जिसको बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा था, बाबा साहब आम्बेडकर की इच्छा थी, यही संविधान की मूल भावना है, यही सामाजिक न्याय है कि भारत में धर्म के आधार पर भारत का संविधान आरक्षण की सहमति नहीं देता है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो आए दिन बाबा साहब का अपमान करती है, संविधान का अपमान करती है और सामाजिक न्याय की तो धज्जियां उड़ा देती है, लीरे लीरे उड़ा देती है। इसी कांग्रेस ने कभी कर्नाटका में, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी अपने घोषणा पत्र में बार बार धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत की। देश का संविधान, देश की अदालतें कांग्रेस को ऐसा करने से बार बार मना कर चुकी है। उनकी हर बात को देश के न्यायपालिका ने ठुकरा दिया है और इसलिए अब कांग्रेस ने पिछले दरवाजे से खेल खेलना शुरू किया है। एससी एसटी ओबीसी के आंख में धूल झोंक करके पाप करने के रास्ते बनाने का काम किया है। अब कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लागू कर रहेगी और इसके लिए कांग्रेस ने तरीका निकाला है। जो ओबीसी का कोटा है, 27% का जो ओबीसी का कोटा है, क्योंकि मैं भी उस समाज से आता हूं इसलिए मुझे उसकी पूरी बराबर जानकारी है। ये जो 27% आरक्षण का कोटा है, अब उन्होंने तय किया है कि उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए। 27%